Now, agar aap die-hard soccer fan, as I can only imagine, can you imagine waking up to an incredible view or a view of a football stadium? Well, dreams do come true because Qatar 2022 World Cup mein aap luxury suites banaye gaye hain jahan se aapko jab aap apna parda kholenge to aap live matches dekh sakte hain just in the comfort of your hotel room. Yes, that's possible and it's happening. Well, you never know, Siku. Very crazy. मतलब खैर नहीं मतलब obviously बड़े लोग ही ले सकते हैं मतलब छोटा आदमी तो तस्वीर भी नहीं कर सकता अगर 2 लाख 4 लाख डॉलर का एक ठीक है तो हम 2022 वर्ल्ड कप का आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अगर मैं लेकिन उसमें ड्रॉ होंगे टिकट के आप उसमें अप्लाई करें शायद जो नॉर्मल रेट्स पे टिकट मिल जाए जाके वहां टिकट भेज दें वो जो जहाज का गलत काम हमें सिखा रहे हैं गलत काम सिखा रहे हैं वहां से मिल जाए वहां जाके बेच दे बट एनीवे चले ठीक है गुड आई थिंक दिस गोना बी लॉट हैपनिंग कतर के लिए कितने यू नो इतने नेगेटिव उनको नेगेटिव प्रेस जिक्र कर रहा था कि क्राउड इतना भरा हुआ होगा तो हम यही बात कर रहे थे कि जितना मिडिल ईस्ट का क्राउड है वो जरूर पहुंचेगा वहां पर इसलिए कि अच्छा ये जो अल खौर का एरिया जो जहां ये बता रहे हैं ना मैं तो चूंकि जा चुका हूं ये बिल्कुल डेजर्ट था अब वहां भी जा चुके हैं डेजर्ट था लेकिन अब देखें उन्होंने जंगल में मंगल कर दिया सब चेंज कर दिया पैसा सर पैसा और आपके पास आप थर में भी बना देंगे ऐसे ठीक है और आजकल वेव्स क्रिएट कर रहे हैं मोहम्मद वसीम और वो मिले रावलपिंडी एक्सप्रेस से और शुएब अख्तर इमेजिन उन्होंने बोला है कि भाई कोई मोहम्मद वसीम से नहीं लड़े ये बहुत मारे गए ये सब कुछ क्या हो रहा है वीडियो पैगाम दिया शुएब अख्तर ने आइए देखते हैं आज टोटल हीरो मेरे साथ बैठा पूरा हीरो ये देखो मोहम्मद वसीम प्रॉपर हीरो बॉस लड़ना नहीं इसके साथ बहुत मारता है अभी ये थका नहीं है बहुत से टाइटल जीतने वाला है मोहम्मद वसीम इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू मैजर अभी तो मोहम्मद वसीम नर्वस हो रहे थे शुएब के साथ करने में बट यू नो इट्स आई नो शुरू में उनको किसी ने मैं समझता हूँ कि एक दफा जैसे भी शायद वो कौन से शाह हैं हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन शाह अपने बेटे के लिए कह रहे थे कि शायद तैयारियों के लिए पैसे चाहिए उसको कोई एक बड़े उसमें जा रहा है इसी तरह ये मोहम्मद वसीम वगैरह के जो हमारे टैलेंट है हमें उनको इस फाइनेंशियली सपोर्ट करना नहीं, चाहिए नहीं वसीम का ये कि ये चूंकि प्रोफेशनल खेल बॉक्सिंग में इसको पैसों की जरूरत नहीं है हुसैन शाह का बेटा जो है अगर उसको एमेचर हमने परसों पूछा था वसीम से तो उसने कहा कि अब जिस कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया फाइनेंशियल इशू नहीं है बहुत पैसा है बस चलो अच्छी बात है हम तो दुआ करेंगे यार हमारा लड़का वहां जाकर कितना कैरियर जाता है और कॉन्सेंट्रेट करें और ऐसा ना हो कि वो उसके भी वीडियो आने शुरू हो जाएं कि जी गाने गा रहे हो प्लीज सिकंदर आप इतना ज्यादा नहीं करें बट मोहम्मद वसीम जो है जल्दी से आपको बता दी इज रैंक 9th इन द WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल होते हैं इसके फ्लाई वेट रैंकिंग में उनकी 9th है और फर्स्ट राउंड उनकी में जीते थे अगेंस्ट कॉनराडो टानामोर ये फिलीपींस के बॉक्सर हैं सो ऑफकोर्स दैट हैपेंड ऑन फ्राइडे हाँ 90 seconds, 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 90 seconds,
और उनको बोला है कि टैलेंट लाइक यू इज अ प्राइड. एंड अनदर बॉक्सर टू अनदर बॉक्सर, आमिर खान ने बोला वेल डन चैंप मोहम्मद वसीम, ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान. उन्हें बोला कि उनके बॉस, प्रमोशन बॉस ने उनके बारे में बताया. Right, so all of this is happening. So how do you feel about आप ये कह रहे थे उनके बारे में? नहीं, मैं तो मुझे खुशी है कि अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है. हमारे यहाँ जो बॉक्सर्स या रेसलर्स, उनको जो इश्यूज़ होते हैं वो यही होते हैं कि उनको अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए, शायद कुछ होता है कि चार मैच खेलेंगे बाहर जाके तो फिर वो क्वालिफाई करेंगे, समथिंग लाइक दैट. तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं और जाके ट्रेनिंग करने के लिए. तो आई होप कि हम लोग भी स्पॉन्सर्स, हमारे जो टैलेंट है इस किस्म का, हमें करना चाहिए. नॉट मोर देन क्रिकेट एंड यू नो इट्स हाई टाइम के. और फिर उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, ऐसे सूबे से कि जो बेचारा समझता है कि मैं डिप्राइव हूं मैं, तो उनको और भी ज्यादा मैं सपोर्ट करना चाहिए, फुल सपोर्ट करना चाहिए. सबको थैंक यू भी बोला, शुक्रिया बोला, बिकॉज शुरू में यू नो ऑफकोर्स जब उन्हें गुस्तकबाल करने नहीं आया कोई, फिर सब ने बहुत ज्यादा इस बारे में कंसर्न रेज किए. एंड ऑफकोर्स जियो इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम. तो उन्होंने ये क्या बातें की, बहुत अच्छी बात की, आपको दिखाते हैं कि शुक्रिया भी बोला है और इस्तकबाल जो नहीं हुआ है उस बारे में भी कुछ बोला है. लेट्स हैव अ लुक. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और मैंने अपनी फाइट जो जीती रैंकिंग की, उसमें मुझे काफ़ी खुशी है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने कंट्री को रिप्रजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े टाइटल जीत के ला रहा हूँ. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम अक्रम, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी,
मेरे लिए सोशल मीडिया पे बात की है और एक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद वसीम के अपने कमेंट्स सुने। आपको ये भी बताएं कि 27 सितंबर से शुरू होने वाला है क्रिकेट श्रीलंका एंड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज। वन डेज होंगे कराची में इंशाल्लाह। और टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी जी 20 सितंबर से। 21 सितंबर से जो ये कोरियर कंपनी, एक मशहूर कोरियर कंपनी है, उसके जो पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं उसमें दस्तियाब होंगे। एक रोज़ा T20 मैच के लिए टिकट की कीमत भी तय हो गई है। कराची में होने वाला एक रोज़ा मैच के लिए टिकट्स की कीमत 500 से 3000 तक रखी है। सो क्वाइट अफोर्डेबल एंड आई थिंक कि हम सब, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सिक्कू एंड भट्टी साहब, हम लोग मिले नेशनल स्टेडियम का मिल जाएगा, मतलब मैं खरीदूंगी। चलो राइट, बट जर्नलिस्ट वैसे ही जाते हैं ना फ्री में। बिल्कुल। बट जितने लोग हम लोगों को कॉल करते हैं, जैसे आलिया ने भी बोला था पहले कि यू नो डोंट कॉल अस, जस्ट गो एंड बाय द टिकट। इट्स यू नो, हमें अपने ग्राउंड्स को खुद आबाद करना है। बड़ा फनी लगता है मुझे। मतलब लोग आएंगे, आपको पीसी में ठहरे हुए, आप टीम ठहरी हुई है, ठीक है, अमेरिका से आए। हाँ, लोग अमेरिका से आए और आके पीसी में ठहरे, या मतलब कहीं और से उठ के आए और पीसी में ठहरे, यार एक टिकट तो दे दी चार। भाई आप इतना पैसा खर्च करके पीसी में ठहरे हैं और इतना खर्चा कर रहे थे, चार टिकट। विराट कोहली ने बहुत अच्छा कहा था अभी जो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। अच्छा, उसने कहा कि अगर एक किसी को टिकट दे दो तो दो डिमांड करेगा, दो दे दें तो चार, चार वाला आठ करेगा। उसने कहा इससे बेहतर यही है कि एक बार आप मना कर दें, उसके बाद मतलब उसके साथ यही इशू चल रहा है। जाहिर इंडियन कैप्टन है। It's just happening everywhere. Well, we'll give you all the updates tomorrow as well, of course. And hum log kya lenge break, headlines ke baad aapko join karenge Danish Anees, and we'll talk about what's happening in hockey, all the insight wo aapko denge.